आप देख रहे हैं निहादी न्यूज। निहादी न्यूज आज डालमिया डीएसपी 7 फैक्ट्री की तस्वीर को दिखा रहा है, जहां पे इस तरह से मजदूर सारे वर्कर्स इस तरह से खड़े हुए हैं। मामला क्या है? मामला मैं बताता हूं कि डालमिया फैक्ट्री में, 7 फैक्ट्री में 3 मजदूर बुरी तरह से आग में झुलस गए हैं। और एक और बुरी खबर, एक की जान भी जा चुकी है, जो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पांच साल के अंदर 5 मजदूरों की गई जान डालमिया 7 फैक्ट्री के अंदर। भाई मेरा भाई देख दिया था, उससे पहले बोला कि हम 4 महीने हम नौकरी दे देंगे। अच्छा, आज तक नौकरी नहीं दिया। आपका अपना भाई? हम आप ही आए थे उस दिन जब मेरा भाई डेट किया था। अच्छा अच्छा, ठीक ना। हाँ। बोला था कि 4 महीने में नौकरी दे देंगे, ना नौकरी मिला ना कुछ मिला। अब तक कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर। गाड़ी लगे हुए है, हमारे सिक्योरिटी विभाग के मिस्टर रवि रंजन सर यहाँ मौजूद हैं, तीनों आदमी को HR सेफ्टी इंचार्ज के, और हमारा मालिक जो है डालमिया सीमेंट के, सेफ्टी का न्याजी न्यूज चैनल पर मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बोर्ड लगाया हुआ है गेट के पास, इन करिएगा तो, कि पापा देर से आना सुरक्षित आना, और अगर मेरे पापा सुरक्षित काम नहीं कर रहे तो उन्हें रोकिए, मर यहाँ का मैनेजमेंट इंजीनियर काम नहीं करिएगा तो कहता है कि गेट के बाहर जाओ। और जी आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार सिंह जी। आप के सामने एक ये अभी घटना हुआ है, जो मेरा आदमी जो था FR ग्रीन फ्यूल का, सारे लोग थे, संजीव भूरन साहब और अशोक पासवान, जो कि तीनों को नंदन सर, सतीश पांडे, यही सब हैंडल करते, इन लोग जबरदस्ती हमेशा ले जाता है, हमेशा जबरदस्ती कोई काम में जबरदस्ती कर देता है कि गाड़ी भी नहीं जाएगा तो ले जाना पड़ेगा। तो जबरदस्ती कौन करता है आपके साथ? साहब जितना है ठेकेदारी छीना जाएगा तो गाड़ी निकाल देंगे, मशीन निकाल देंगे, कौन धमकी है? धमकी है कोई? सामने हमेशा इन लोग जबरदस्ती, हर एक कंपनी जबरदस्ती, राजेश सर है जबरदस्ती करते हैं यहाँ पे चलाना है, लाइफ के राजेश सर है। अच्छा, ये वजह तो अभी जो घटना हुआ, जो लोग अभी अभी जो हॉस्पिटल है या इनको रेफर किया गया, क्या ये जबरदस्ती की शिकार है? क्या जबरदस्ती है? एकदम जबरदस्ती पूरा सारे ग्रीन फील्ड में जबरदस्ती करता है, जनाया है, थोड़ा करता है, दूसरे साइड भेज दिया गया है, दूसरा साइड पर, तीसरा साइड पर भेजा है, ऐसा किया जाता है। और के ये अभी बात निकल कर आ रही है, ये लोग क्या क्या इन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जबरदस्ती होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, क्या ये सही बात है क्या? जी हाँ, इस तरह से होता है। अभी हम लोग इलाज के लिए भेजे हुए हैं और डालमिया सीमेंट के HR आए हैं, उनसे भी बात हुई है, कौन कौन इसमें जबरदस्ती और बिना सेफ्टी का काम कराया गया। ये कहाँ, ये कितने लोग अभी यहाँ पे जल गए हैं फैक्ट्री में? अभी खबर तीन आदमी का सूचना है, 3 आदमी जले हैं, तीनों को रेफर कर दिया है नारायण मेडिकल। उनकी हालत कैसी है? बहुत गंभीर है, एक का कुछ ठीक है, बाकी 2 आदमी का पूरा हालत खराब है। हाँ हा। न और यहाँ उन लोग का साइड भी नहीं था। हाँ। FR में उन लोग काम करते थे। हाँ। FR से उनका जो साइड इंचार्ज है। हाँ। जबरदस्ती बिना गर्म कपड़ा के जो होता है वायर प्रूफ, तो उसको बिना दिए हुए इन लोग को वहाँ जबरदस्ती भेज दिया गया है। उनका सुपरवाइजर भी मना किया तो कहे कि नहीं नहीं जाएगा तो तुम्हारा गाड़ी छीन लेंगे, गाड़ी निकाल देंगे, तो मजबूरी यहाँ पेट के। क्या आपकी सुपरवाइजर से बात हुई? सुपरवाइजर कौन है? सुपरवाइजर यही है। क्या आपको जबरदस्ती किया गया था वहाँ के? अभी डालमिया फैक्ट्री में घटना घटी, इसके बारे में क्या आप जानते हैं, क्या आपने सुना है, क्या आपको जानकारी मिली है? अभी अभी सूचना 1 घंटा पहले मिला कि 3 आदमी का चमड़ी जो है शरीर से उतर गया है, प्री हीटर पर अनभिज्ञ आदमी को लगाया गया था, जो कि यहाँ का मैनेजमेंट जो है खाली कागज में सेफ्टी का पाठ पढ़ाता है और साइड पर कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं है। अनभिज्ञ आदमी को जाके मेजर जगह पर लगा करके इन्होंने उन लोगों को ऐसा कगार पर कर दिया, मरने योग्य हो गया है। एक आदमी अभी सूचना मिला है कि जमुहार में मर गया है रास्ते में जाते समय। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजेश चौधरी है, मैं यहाँ की इम्प्लाई हूँ। हाँ। आज तो सूचना मिलते ही हम लोग आए यहाँ, सारा खबर लिए, डॉक्टर से स्टेटमेंट लिए रेफर का, सारा प्रक्रिया किया गया,
अब ये तो क्या ये जो अभी तीन आदमी का यहाँ पे तीन मजदूर का जो एक्सीडेंट हुआ, क्या आपके साथ काम किया करते थे? हैं? आपके साथ काम किया करते थे? हमारे प्लांट में ही वो लोग काम करते थे। दूसरे कचरा प्लांट में काम करते थे, जो कि ट्रेन आदमी इस जगह पर आता है काम करता है, वो भी सेफ्टी वस्त्र पहन करके काम करता है। अनभिज्ञ आदमी को कचरा प्लांट से ला करके इन्होंने यहाँ काम कराया, जो कि ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सारे तीनों आदमी का शरीर का चमड़ी उतर गया, जो एक आदमी का मृत्यु हो गया। सब अभी तीन पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आए थे और ये मजदूर थे, और उनका कंडीशन क्या है जरा सा बता दें। तीन पेशेंट आए थे, उनके शरीर में अराउंड 2-3 बर्न था पूरे शरीर में। उनको फर्स्ट एड यहाँ दिया गया और तुरंत रिफर किया गया NCH, क्योंकि कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल ही था। तो अभी वो गए हैं वहाँ पे तीनों पेशेंट्स, और अभी नेक्स्ट प्रोसेस अभी जानना बाकी है हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।